छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना के तहत, जहां पर सुपर कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट का निर्माण विभिन्न गोठानों पर किया जा रहा है, जिससे कि आम जनता की आर्थिक स्थिति को ट्रडर किया जा सके और खेतों में जैविक खाद की उपयोगिता को बढ़ावा दिया जा सके। परंतु राजनांदगांव जिले डोंगरगढ़ क्षेत्र में लगातार वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरा मामला राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम ठाकुर टोला का है, जहां के किसान आज डोंगरगढ़ एलजीएम कार्यालय पहुंचे और उन्हें मिल रहे वर्मी कंपोस्ट के गुणवत्ताहीन होने के लिए शिकायत करते हुए जांच की मांग की। किसान ने बताया है कि उन्हें जो वर्मी कंपोस्ट प्राप्त हो रहा है उसमें रेत कंकड़ और मिट्टी मिली हुई है, जिसकी शिकायत लेकर वे आज एलजीएम कार्यालय पहुंचे हैं। और आगे किसान ने बताया है कि अगर जल्द ही उनकी समस्या का निराकरण नहीं किया जाता है तो आने वाले दिनों में जब सीएम का उनके क्षेत्र में दौरा होगा तो उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। भाई हमेशा की तरह प्रशासन की ओर से डोंगरगढ़ एलडीएम गिरीश राम टेके ने किसानों से जांच और कार्यवाही का उन्हें आश्वासन दिया है। बहरहाल वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट की गुणवत्ता को लेकर शिकायत का यह कोई पहला मामला नहीं है। ऐसे पहले भी नगर पालिका क्षेत्र डोंगरगांव जहां पर भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा इसकी शिकायत की जा चुकी है, जिसकी जांच की रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आ पाई है। ऐसे में शासन की महत्वाकांक्षी योजना की जमीनी हकीकत धरातल पर प्रशासन की नजरअंदाजगी से फेल होती हुई नजर आ रही है। अभी कुछ किसान आए थे सुपर कंपोस्ट खाद लेकर, उनकी शिकायत है कि उनका जो खाद मिल रहा है उसमें थोड़ा बहुत जो क्वालिटी रहती है वो क्वालिटी उस हिसाब से नहीं है। तो इसके संबंध में उनसे सैंपल मंगाया गया है और सैंपल को हम लोग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से ऊपर कार्यालय भेजेंगे और जांच करके जो भी रिपोर्ट आता है उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें कार्रवाई करेंगे। ये वर्मी कंपोस्ट जो खाद जो दे रहे हैं ना, उसमें पूरा रेत कंकर मिट्टी है, उसी को शिकायत को लेकर पूरा ग्रामीण और किसान लोग आज एसडीएम के पास में आए। तो एसडीएम ने यह आश्वासन दिया है उसको अच्छे से जांच करवाएंगे करके, अगर जांच करवाने के बाद अगर कार्रवाई नहीं होता है जो समिति जो बनाया है जो गौठान, तो इसको लेके अपन एक आंदोलन करेंगे, जिसको अभी आने वाले समय में भूपेश बघेल एलबी नगर आने वाला है, तो सभी किसान ले जाके वहाँ पर अपन बैठेंगे, धरना देंगे और बासी खा के वहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ में विरोध करेंगे। नाम और पता अशोक वर्मा, ग्राम ठाकुर टोला। कौन से गांव का मामला है, कहां ये ग्राम ठाकुर टोला, ग्राम ठाकुर टोला ये सोसाइटी में मिला था, कहां से आई ये इतना तो अपने को जानकारी नहीं है, लेकिन ठाकुर टोला सोसाइटी है। ब्यूरो रिपोर्ट।